हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे हमारे पूरे दिन भर की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मील के बारे में, जो कि है ब्रेकफास्ट। एक हेल्दी ब्रेकफास्ट हमें पूरे दिन भर काम करने की एनर्जी प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ हमारे कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स को इम्प्रूव करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हंगर की डिस्ट्रैक्शन की वजह से हमारे काम करने की फ्लो में रुकावट आती है। और जब आप वेट लॉस कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने मील्स को स्किप ना करें, आप अपने ब्रेकफास्ट को स्किप ना करें। अदरवाइज क्या होता है कि आप जो आपका लंच लेते हैं, जिस मात्रा में आपको वो लंच लेना चाहिए, आप उससे ज़्यादा ले लेते हैं, यानी कि आप ओवर ईट कर लेते हैं। और अक्सर ये भारतीय लोगों में देखा गया है कि उन्हें एसिडिटी, गैस और ऐसी तकलीफें बढ़ती रहती हैं समय के साथ, क्योंकि वो इस तरह के लॉन्ग गैप्स में खाना खाते हैं या फिर मील स्किप करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है अगर हम मील स्किप करते हैं तो हमारा वज़न जो है वो घटेगा, जबकि ऐसा नहीं होता। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम हमारे जो मील्स हैं उनको ना स्किप करें, हम जो गैप्स हैं उनमें हमारे स्नैक्स लेते रहें, हमारा जो ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, टाइम टू टाइम लेते रहें, ताकि लॉन्ग रन में जो ये तकलीफ़ें हैं वो हमें ना हो और हम एक सस्टेनेबल वेट लॉस कर पाएँ जो काफ़ी टाइम तक आपके साथ रहे। तो अब हेल्दी नाश्ता यानी कि क्या? ये कहावत है कि हमें हमारा जो नाश्ता है वो राजाओं की तरह लेना चाहिए। तो क्या राजाओं की तरह नाश्ता लेने का ये मतलब है कि हम हमारे नाश्ते में पकौड़े ले सकते हैं, छोले भटूरे ले सकते हैं या पराठे ले सकते हैं? क्योंकि अगर हम वेट लॉस कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ऑयली चीज़ों को अवॉइड करना है, तो हमें एक हेल्दी नाश्ते से इसे रिप्लेस करना है। तो हेल्दी नाश्ता यानी कि क्या? आजकल काफ़ी प्रचलित है ओट्स। ओट्स के फ़ायदे ये हैं कि ये हाई इन फाइबर है, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट है, और जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल रहता है ये उसे घटाता है। लेकिन जब हम ओट्स के बारे में सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये वही है जिसे हमें दूध या पानी के साथ मिलाना है, थोड़ी शुगर डालनी है या और कंज्यूम करना है। तो कहीं ना कहीं हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं अपने आप को इस तरह के नाश्ते से, क्योंकि हमको लगता है कि ये हम ज़्यादा तौर पे नहीं ले पाएंगे। एक आध दिन ले लिया लेकिन उससे ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। तो आज हम जो है आपको इस तरह की कुछ रेसिपीज़ बताएंगे जो भारतीय फ्लेवर के हिसाब से है, जो हमारे टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करता है। साथ ही साथ हम मूंग, मोगर, उपमा, इस तरह की हेल्दी नाश्ते भी कर सकते हैं। तो आज हम शेयर करते हैं आपसे इसी तरह की कुछ रेसिपीज़। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भीगे हुए ओट्स में अब हम मिलाएंगे थोड़ा प्याज, टमाटर, गाजर। इससे सुबह सुबह ही हम अपने खाने में काफ़ी फाइबर इंक्लूड कर लेते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ी हल्दी, जो हमारी सेहत के लिए अच्छी है। स्वाद अनुसार थोड़ा नमक, और अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो इसमें थोड़ी मिर्ची। फ्लेवरिंग के लिए हम इसमें डाल सकते हैं थोड़ा नींबू का रस, लेकिन ये ऑप्शनल है। फिर इसे हम मिला लेंगे। अब इसमें थोड़ा पानी डाल के हम इसकी कंसिस्टेंसी बना लेंगे, जैसे उत्तपा या चीला बनाने के लिए लगती है। अब हम तवे पे थोड़ा ऑयल डाल लेंगे, जिससे हमारा जो ओट्स चीला है वो चिपके नहीं। इसे इवनली स्प्रेड कर लेंगे, और सेकेंड उत्तपा से या चीले से आपको ज़रूरत नहीं है कि आप ऑयल डालें, क्योंकि ये स्टिकी रहेगा पैन। इसे हम तवे पे डाल देंगे, और 2 से 3 मिनट तक सिकने के लिए छोड़ देंगे। तो अब हम बैटर बनाना शुरू करते हैं हमारी ओट्स की इडली का या फिर डोसे का। इसके लिए हम यूज़ करेंगे ओट्स, जिसे हमने तवे पर सेक कर और उसे मिक्सी में पीस कर रख दिया है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा बेकिंग सोडा
स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी मिर्ची। अब इसमें हम थोड़ा पानी मिला लेंगे। इसमें थोड़ा पानी आप तब तक डाल सकते हैं जब तक इसकी कंसिस्टेंसी हो जाए इडली या डोसा बनने की। ये जो हमारी ओट्स की इडली है ये नॉर्मल दाल या चावल से बनी गई इडली से ज़्यादा न्यूट्रिशियस है क्योंकि इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो फाइबर के फॉर्म में प्रेजेंट हैं। तो अब हमारा ये बैटर रेडी है हमारी हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस इडली और डोसे के लिए। तो अब हम मूंग चाट बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम लेंगे रात को भीग कर रखी हुई मूंग जिसे हमने सुबह थोड़ा उबाला है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा प्याज, टमाटर, थोड़ी सी कैबेज, थोड़ी सी कैप्सिकम, इसमें हमने डाला है खाकरा जिसे हमने ऑलरेडी थोड़ा चूर कर रखा हुआ था और इसमें हम थोड़ा कैरेट डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी दही, स्वाद अनुसार नमक और अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो उसमें हल्की सी मिर्ची आप डाल सकते हैं। अब इसे हम मिला लेंगे। तो ये हमारी मूंग चाट रेडी है। तो आज हमने देखी कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपीज जिसे आप आसानी से रोज़ बना सकते हैं और जो आपके वेट लॉस में भी आपको हेल्प करेगा। तो स्टार वॉक के साथ आपकी वेट लॉस जर्नी के लिए ऑल दी बेस्ट।